अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मार्गरेट रिवर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का टाउन है, वहाँ पर घूमने आए हुए हैं। और मैंने अपनी लास्ट टू वीडियोस में आप लोगों को कैनाल रॉक और शुगर लॉफ रॉक का विजिट करवाया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसेस थी मार्गरेट रिवर की। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त एक और इसके पॉइंट पर जा रहे हैं, जो कि है मैमथ केव। और आप लोग मेरी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आगे से हम लोग फर्स्ट टाइम इधर जा रहे हैं, लेकिन इस केव के बारे में यही सुना है कि बहुत ही पुरानी ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की केव है। सबसे पहले ये यहाँ पे मार्गरेट रिवर में यही केव इन लोगों ने दरियाफ्त की थी। अब जो है इससे बड़ी केव इन लोगों ने दरियाफ्त कर ली है, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आप लोगों को उधर का भी विज़िट करवाएंगे। तो आए चलते हैं मैमथ केव। जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं मैमथ केव। यहाँ की एंट्री टिकट है, हम लोगों ने वो बाय कर ली है। ये एंट्री ट्रैक है केव के अंदर जाने का। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि ज़रा सा स्केरी सी आई थिंक ये होगी अंदर से। अभी तक हम लोग गए नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग भी। तो आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय करें। जी, तो ये अब हम लोग अंदर एंटर होने लग गए हैं गार में। ये देखें, ये स्टार्ट में ही है। थोड़ा सा स्केरी हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। चलें आप लोग भी देखें, हम लोग भी देखते हैं अंदर से। जी, तो ये देखें, ये स्टेयर्स जा रही हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। ये इन्होंने स्टेयर्स का ट्रैक पूरा बनाया हुआ है यहाँ पर विजिटर्स के लिए, कि वो इस पे चलते जाएं और देखते जाएं। अप्स एंड डाउन में इन्होंने जो है ये स्टेयर्स जो हैं लगाई हैं। बहुत ज़बरदस्त अभी तक इसका एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। जितना स्केरी हो रहे थे इतना नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है देख के। जैसा आप लोग भी देख रहे होंगे, फुल ये अंदर डार्क है, लेकिन इन लोगों ने लाइट्स लगा के ये पब्लिक के लिए ओपन किया है, ताकि लोग आएं, इसको एंजॉय करें, वीडियो बनाएं। कोशिश तो कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये नज़र आ जाए। ये देखें, ये इस तरह से डार्क है सारा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पानी जो है वो इससे गिर गिर के वो हुआ है। ये पत्थर है फुल, हम समझ रहे थे शायद कोई मोम टाइप है, लेकिन परमिशन नहीं है टच करने की। थोड़ा सा टच करके हम लोगों ने देखा था, तो फुल हार्ड है ये। ये देखें, ये जो ये बोन्स हैं, यहाँ पर पहले वाइल्ड एनिमल रहते थे, तो ये उनकी बोन्स इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। थोड़ी सी मैं इसकी आप लोगों को हिस्ट्री बताती चलूँ कि ये 1895 में इन लोगों ने दरियाफ्त की थी केव। ये तकरीबन 100 साल हो गए इस केव को, और पब्लिक के लिए इन्होंने 1900 में या 1904 में ओपन की थी फिर। और जब से ये 100 साल हो गए विज़िटर्स के लिए ओपन है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज इसके और चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा है।
जी, तो फाइनली अब हम केव के एंड पे पहुंच गए हैं। वो देखें जो थोड़ी सी आपको लाइट नज़र आ रही है, ये बाहर जाने का रास्ता है। एक घंटे का इसका टूर है और हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटा होने वाला है इसमें घूमते हुए। बहुत ही हमारा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगा। ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और अभी मज़ीद आगे हमें जाने के लिए बहुत ही सफ़र तय करना है। ये जो आपको स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, ये थ्रू आउट बाहर जाने के लिए हैं और ये बहुत स्टेयर्स हैं, आप लोग इतना नहीं शायद नज़र आएंगी। उफ, बहुत टायर्ड हो गए हैं यहाँ पे, तो अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग इतना डीप चले गए हैं और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हम कितना ज़्यादा डीप गए हुए थे। सब बहुत थक गए हैं, बच्चे भी, लेकिन खुश भी बहुत हैं। हेडफोन्स क्योंकि इन्होंने दिए हुए थे हम लोगों को सबको, ताकि जो है इसकी हिस्ट्री वगैरह हमें पता लगती रहे, तो बच्चे सारी हिस्ट्री सुनते आ रहे थे, हम लोग तो बस देख ही रहे थे ज़्यादातर, थोड़ी बहुत हिस्ट्री सुनी इसकी। वो देखें स्टेयर्स, आप लोग शायद नज़र आ रही हो, अभी मज़ीद इतना ही हमने ऊपर जाना है। ये वाप एग्ज़िट के लिए इन लोगों ने एडवेंचर के लिए इतना ज़्यादा ये रास्ता रखा है, लेकिन मज़ा आया है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के मेरी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहें। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।